अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीएसएस का जो आपका पेपर होगा प्रेसी एंड कंपोजिशन का, एसए के बाद इसको नंबर 2 के ऊपर रखा जाता है कि ये पेपर जो है सबसे ज़्यादा डरावना पेपर है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इस पेपर के अंदर भी बहुत बच्चा फेल होता है, कुछ लोगों का ऐसे पास होता है लेकिन प्रेसी फेल होता है। उसका रीज़न क्या है? ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। ठीक है, पहले देखते कि इसमें आता क्या है। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं एमसीक्यूज 20 मार्क्स के, जो कि प्योरली क्या होते हैं, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ठीक है, सिनोनियम आते हैं और एंटोनियम्स आते हैं। अब 10 आपके पास सिनोनियम आएंगे, 10 एंटोनियम आएंगे। ये आपका जो, मेरे नजदीक, मैं इसको कहता हूँ इट इज प्योरली लक बेस्ड। अगर कोई मेरी इस बात से इख्तिलाफ करता है तो मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है जी, 2021 वाले कर लें आप। फिर 2021 का पेपर ऐसा था कि आपको जो वर्ड दिया गया है ना, जैसे वर्ड जिसका सिनोनिम, आपको वर्ड प्रोनाउंस ही नहीं करना आ रहा। मतलब आपने जिंदगी में पहली बार वो चीजें देखी हैं, उनके सिनोनियम एंटोनियम करने थे, जिसके ऊपर शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया था अपना कि ऐसा क्या पेपर है कि जी मुझे भी नहीं आता ये, इस तरह की एक ट्वीट उनकी वायरल हुई थी। तो ये जो है 20 नंबर जो है आपके, वो किस में चले गए? प्योरली लक बेस में। उसके बाद जो प्रेसी वाले मार्क्स हैं आपके, इसके अंदर एग्जामिनर जो है वो आपको 7 से 8 नंबर प्रेसी में देगा। मतलब आपकी प्रेसी सही है तो 7 से 8 नंबर इधर मिल जाएंगे। अगर आपका जो है उसको टाइटल पसंद आता है तो वो 3 से 4 नंबर आपको देगा। मतलब प्रेसी में भी आप हार्डली 10 क्रॉस कर पाओगे अगर पूरी सही लिखोगे तो। अगर पूरी सही होगी तो भाई एक चांस है कि हम 10 से ऊपर जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में 5 सवाल होते हैं, हर सवाल 4 नंबर का होता है, ये बनते हैं 20। अब इसके अंदर भी आपको ट्रेंड यही मिलेगा, 12 13 10, इसी तरीके का ट्रेंड चलता है इसमें भी। उसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन होते हैं टोटल 5, 2 नंबर का एक होता है, सही करोगे तो 10। कितना आंसर होना चाहिए किस चीज का? कॉम्प्रिहेंशन का। डजेंट मैटर बेटा, वो सवाल के ऊपर मैटर करता है, वो सवाल जैसा उस हिसाब से। पंक्चुएशन में सिर्फ स्पेशल के अंदर सिंगल सिंगल आई थी, वरना जो ये ना पैराग्राफ आएगा आपके पास। ठीक है, स्पेशल में जो आई थी सिंगल आई थी, वरना वैसे ये पैराग्राफ में आता है। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ये बगैर प्रैक्टिस के 5 नंबर आपको नहीं मिलते। प्रीपोजिशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बिकॉज इसके अंदर कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। स्टैटिक प्रीपोजिशन के जो यूजेज है ना, वो आपको याद करने पड़ते हैं। तो ये भी आएगा कितना? 5 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर में आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। अब पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? दो हैं, जैसे लेट सपोज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब मैंने ये पेयर ऑफ वर्ड दे दिया आपको, अब आपने, अगर किसी बच्चे ने इस एक्सेप्ट का जुमला बना दिया और इसका उससे नहीं बनाया या उसने गलत बनाया, तो बेटा ये पूरा ही 0 हो जाएगा। जी, उसमें 0 हो जाता है वो। फिर जाहिर है, अब जैसे मैंने अभी पेपर दिया तो इसके अंदर उसने ऐसे दिया हुआ था इंडस्ट्रियल। ठीक है, एक वर्ड था इंडस्ट्रियल और दूसरा था इंडस्ट्रियस। मुझे खैर दोनों के मतलब पता थे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ इंडस्ट्रियल का मतलब पता है और उसने ये जुमला नहीं बनाया, तो वो टोटली क्या होगा? 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आखिरी में आती है ट्रांसलेशन। स्पेशल में सिंगल सिंगल आई थी, लेकिन ये भी पैराग्राफ में आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसलेशन आपने करनी होगी। और इसकी जो इडियमेटिक फ्रेजेस लगानी होती है इसके अंदर ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ होता है, आपने डिट्टू उसको वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना होता, आपने उसको थोड़ा सा इडियोमेटिक फ्रेजेस के अंदर उसको करना होता है, और इसकी भी होती है प्रैक्टिस। ठीक है,
ये आपको मैंने बताया कि ये आपका होता है पेपर, सही है, समझ गए बात को। एमसीक्यूज 20 नंबर के आएंगे, प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस करेक्शन है, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, इडियम्स और ट्रांसलेशन। अब हम जरा देखते हैं कि प्रेसी का जो पेपर है इसमें हमारे पास एक रोड मैप क्या होना चाहिए। बेटा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो एक गलत रोड मैप की वजह से इस पेपर को फेल कर जाते हैं। मैं ओपनली इस बात को कहता हूँ कि आपको जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना आप नहीं कर पाओगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर डिमांड क्या करता है, डिमांड ऑफ दिस पेपर वो एक ही चीज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप पहले ये समझे ना ये पेपर आपसे मांग क्या रहा है। ये पेपर कहता है मैं तुम्हें प्रेसी दे रहा हूं, तो प्रेसी में क्या होता है आपने उसको शॉर्ट करना होता है, ठीक है, जो भी लिखा है आपने उसको शॉर्ट करना है, विच मीन्स कि आपने पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, तभी तो जाके चीजें शॉर्ट होंगी। नंबर टू कॉम्प्रिहेंशन, जो पढ़ा उसी के सवाल जवाब करने हैं आपने। नंबर थ्री ग्रामर आ जाएगी आपकी, जिसमें पंक्चुएशन आएगा, सेंटेंस करेक्शन है, सारी चीजें, फिर इसी में आपकी वोकैब आ जाएगी और ट्रांसलेशन आ जाएगी। मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा और ना होना चाहिए आपके लिए, राइट। तो पहले हमने देखा कि इस पेपर की हमसे क्या डिमांड है, और वो एक ही डिमांड है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्लियर। सो मूविंग फॉरवर्ड इसकी रिसोर्सेस क्या होनी चाहिए। इसकी जो रिसोर्सेस हैं वो मल्टीपल ना हो, इसकी लिमिटेड रिसोर्सेस रखें, ठीक है। पहले इस पे बात कर लेते कि इसकी रिसोर्सेस कौन कौन सी होंगी। नंबर वन ब्रश अप योर इंग्लिश, ये एक बुक है बेटा, ये सॉफ्ट में भी होगी हार्ड में भी है, ये देख लेना एक किताब, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और थर्ड आपके पास होगी 20 ईयर्स पासबुक, ठीक है। आपने सिर्फ इन तीन रिसोर्सेस को लेकर चलना है। रेन एंड मार्टिन इज अ डिफिकल्ट बुक, रेन एंड मार्टिन ओनली फॉर पंक्चुएशन, जो 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है ना वो रेन एंड मार्टिन से दे देता है। सही है, असल में बचपन से ही सबको बताया जाता है शुरू से जी रेन एंड मार्टिन कर लो। रेन एंड मार्टिन इजी बुक्स नहीं है, रेन एंड मार्टिन जो है थोड़ी सी टफ किताब है, लेकिन जब आप ब्रश अप योर इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत इजी, क्योंकि एक आई गेस इंडियन ऑथर है एस टी इमाम करके, उन्होंने लिखी है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो भी एक आपके पाकिस्तानी जो है वो ऑथर है। तो इस तरह की जो बुक्स होती है ना इनमें थोड़ा सा आपको समझ में आती है चीज, ऑलरेडी इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज तो फिर मुश्किल हो जाता है हमें ना कॉम्प्रिहेंड करना, तो ये आपकी रिसोर्सेज होंगी। और सिर्फ 20 ईयर्स के पास पेपर होने चाहिए, पंक्चुएशन के लिए आपने रैन एंड मार्टिन करनी है, दैट्स इट। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन आप जब YouTube पे जाएंगे या कोई और टीचर आपको मिलेगा तो वो सिंपली आपको कहेगा कि जी GRE वर्ड लिस्ट, डेली डॉन वोकैबुलरी, थर्ड में वो आपको बताएगा जी रेन एंड मार्टिन, फोर्थ में कह देगा जी एक्सेसिव प्रेसिस सॉल्व करें, ठीक है। वो आपको कह देंगे कि जी बुक्स से निकालें, डॉन के आर्टिकल लिखें, आप डॉन के आर्टिकल्स को पढ़ें, उसको सॉल्व करें। बेटा ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला जो तरीका है, ये जो ये लोग बताते हैं, ये मैं रिकमेंड आपको तब करूंगा जब आप तीसरी अटेम्प्ट दे रहे होगे, क्योंकि पहली अटेम्प्ट में तो आपने उतना ही करना है जिससे आपका सिलेबस कवर हो रहा है। जिस जिस बच्चे ने GRE वर्ड लिस्ट याद की थी 2021 में, उससे 2 से 3 से ज्यादा नहीं हुआ है उससे वो कैब। अब आप बताओ कि आप रोजाना की बुनियाद पर इतनी वोकैबलरी याद करते हो जो कि यूज भी नहीं होनी, और उसमें अगर आपके 2 से 3 नंबर आ रहे हैं तो फिर क्या फायदा उसका। डॉन की वोकैबलरी अभी इस लेवल पे किसी काम की नहीं है। रैन एंड मार्टिन इज अ डिफिकल्ट बुक,
प्रेसी पास पेपर की सॉल्व कर लें, किताबों से निकाल के जबरदस्ती के डॉन आर्टिकल को पढ़ पढ़ के आपने नहीं सॉल्व करें उसको। ये जो चीजें हैं ना, ये बर्डन है, ये आप पे बर्डन है बेटा। अब आप यहां पे जब आते हैं तो भाई आपको पता है यार मेरे पास ये लिमिटेड चीज है, मुझे इसको काम करना है। मैं भी चाहूं तो बड़ी आसानी से आपको चार किताबें रिकमेंड कर दूं, दो तीन चैनल रिकमेंड कर दूं, बट मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे उसको। यार हाफिज करीम दा चुगताई की बुक मैंने ऐसे देखी नहीं है, ना मैंने अपनी अटेम्प्ट में पढ़ी है उसको। आप यूट्यूब वगैरह से देख लें। देखिए ग्रामर तो सब में सेम है, आप कोई भी किताब उठा लें सीएसएस रिलेटेड, तो आपको जहाँ पे सारा मटेरियल मिल रहा है आप एक किताब परचेस कर लें बस। बाकी तो यूट्यूब है, इंटरनेट मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दी। बहुत सारे लोग इस पेपर से कुछ मिथ्स एसोसिएट करते हैं, नंबर वन में तो आपके पास होती है जी प्रेसी फेल तो सब फेल। ठीक है, ये जो मामला है ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेसी सिर्फ 20 नंबर का एक पोर्शन है इसके अंदर, राइट। सो ये वाली मिथ नहीं। इसी तरीके से अटेम्प्टिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अटेम्प्टिंग ऑर्डर इट कैन बी लाइक द क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल लास्ट में कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फर्स्ट पेज पे कर दें। सही, इससे भी कोई मसला नहीं होता, ये ठीक ऑर्डर है। सही है, समझ में आ रहा? अच्छा जनाब, अब मामला ये आया कि सर ये चीजें तो हमें समझ में आ गई कि जी पेपर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें करनी है इसमें कंसर्न। अच्छा, और ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ अवेलेबल होता है, पास पेपर्स की प्रेसी भी है, हर चीज सॉल्व भी मिल जाएगा आपको, लेकिन स्टिक टू द बेसिक्स, राइट। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा वीक है, उसकी जो है वो बेसिक एक्टिव पैसिव नहीं है, इंग्लिश ग्रामर नहीं है, तो अफजाल मुफ्ती के बुकलेट्स आते हैं, ये भी सॉफ्ट में अवेलेबल है। ये ना 3 से 4 होते हैं, ये छोटी छोटी उर्दू में लिखा हुआ था, ये उर्दू टू इंग्लिश है। तो अगर कोई स्टूडेंट समझता है मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ या मुझसे नहीं हो पा रही चीजें, तो वो इसको टारगेट करे, इनको परचेस कर लो। मेरा ख्याल से 50-60 रुपए के मिलते थे किसी जमाने में, ये बुकलेट्स होते हैं छोटे छोटे से, तो ये आपकी ना बेस बना देंगे टेंसेस की, नाउन नरेशन सब कुछ ना। सो आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हो। अच्छा, अटेम्प्टिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। अब कौन सा एरिया है जिसमें हमारे एस्पिरेंट को टारगेट करना है, जो मैं पढ़ाऊंगा और जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो मैंने स्पेशल के लिए भी रखी, इससे पहले भी रखी, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है इसको जरा देखिएगा और समझिएगा इसको। इसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपने वर्क करना है पेयर ऑफ वर्ड्स पे, नंबर 2 प्रीपोजिशंस पे, ठीक है, नंबर 3 पंक्चुएशन, नंबर 4 सेंटेंस करेक्शन, नंबर 5 कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 6 प्रेसी, नंबर 7 वोकैबुलरी। बेटा ये वो ऑर्डर है जिसको मैं कहता हूं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब इसकी तैयारी आप अगर इस लेवल पे करते हो कवर तो पूरा सिलेबस होगा। अब पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या है कि देयर आर हार्डली हार्डली आपके पास कोई 150 to 200 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये 150 से 200 वर्ड हैं पास पेपर से निकालने, किताब से पढ़ने, इसको याद रखना है बस आपने। एंड थोड़ा सा इजी भी होता है ये, क्योंकि जैसे मैं आपको अभी एक वर्ड बताऊं, इलिजिबल और इलिजिबल, दो वर्ड इन्होंने दिए हुए थे। इसी तरह से डोज और डोज, ठीक है, क्रेडिबल क्रेड्यूलस, तो ये याद करना थोड़ा आसान हो जाता है, और आपने सिर्फ इसका जुमला बनाना होता है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स अगर आप निमटाते हैं तो 10 नंबर आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, नथिंग, ठीक है। प्रीपोजिशंस के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। आप सिर्फ ये देखें नाउन, सॉरी नाउन के साथ जो है वो कौन सी लगेगी, वर्ब आ जाए तो क्या आएगा, एट, फ्रॉम,
ये सारी चीजें आपने देखनी है, ये लेक्चर से कवर होने वाली चीज है, ये आपको 5 नंबर दिलवाती है। सही है, ये भी सीखनी है। पंक्चुएशन का मैंने आपको बता दिया, रेनन मार्टिन करेंगे तो पंक्चुएशन के भी 5 नंबर मिल जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए यू डोंट नीड एनी टीचर, राइट। ये वो चीजें जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। मैट्रिक की किताब निकालें, FSC की निकालें, BA लेवल की किताब से हो जाएगा ये। इसके बाद आपके पास है सेंटेंस करेक्शन, ये 10 नंबर की आती है। सेंटेंस करेक्शन टोटली ग्रामर है, यहाँ पे टेंसेस करने हैं आपने, 5 पेपर अगर आप सॉल्व कर लें तो आप ये वाला पोर्शन सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इसकी स्किल होती है, इसकी स्किल क्या होती है कि जी आपको पता होना चाहिए कि जी इसका जवाब किधर किधर मौजूद है, सवाल एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो पहले इस पार्ट को करेंगे, उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो आपके पास प्रेस ही आ जाएगी। प्रेसी भी अगेन स्किल है, सीखनी पड़ेगी। वोकैबुलरी जो तुम यहां से कवर करोगे ना, पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स से निमटाओगे वही तुम्हारी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगी चीज। और बेटा जब तुम्हें पता है कि तुम्हें मिलने ही इसमें मैक्सिमम 6 7 8 10 नंबर हैं, तो फिर उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं करनी, ठीक है। इस 20 को अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास बचता है 80 नंबर का पेपर, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि जी मैं इस 80 में से किसी तरीके से निकाल लूं 40 हाफ, और फिर ये जो जितने नंबर आ जाए, 5 आए 4 आए 10 आए, वो आपका बोनस होगा इसमें। प्रेसी के पेपर में, ऐसे के पेपर में एम फॉर 40 ओनली, सर सिंपल वोकैबुलरी यूज करना रिकमेंड किया जाता है। कहाँ पे, किस जगह पे बोलते हैं कि सिंपल वोकैबुलरी यूज करें? एसए के अंदर, एसए के अंदर सिंपल वोकैबुलरी होती है यार। ये बस एक मिथ है, ये लोगों ने बनाई हुई चीज है कि जी मुश्किल मुश्किल चीजें निकाले, डॉन से कर लें। ऐसे का नाम ही यही है कि यार ऐसी आपकी लैंग्वेज हो जो कि एक नॉर्मल बंदे को समझ में आ जाए। ज्यादा वोकैबुलरी इस्तेमाल करोगे एग्जामिनर फेल कर देगा। लिमिटेड अमाउंट में आपने चीजें उसमें इस्तेमाल करनी होती, राइट। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप इस पेपर के लिए तो तैयार करोगे, तो आप उसको ऐसे में भी लगा दो। ये जो वोकैबुलरी तुम प्रेसी के लिए तैयार करते हो, जो GRE की वर्ड लिस्ट होती है, ये डिफिकल्ट इंग्लिश होती है, ये हम कह लें कि जी एडवांस इंग्लिश है। इसका यूजेज कहीं और नहीं होता, इस वजह से हम भूल जाते हैं ये याद करने के बाद। सही है, तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से होगी इसकी कि हम कोशिश ये करेंगे ऑन डेली बेसिस, फाइव टू 10 वर्ड्स हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। सही है, मैं आपको एक बुक भी भेजता हूँ, वो MCQs की बुक है, बहुत जबरदस्त किताब है। तो 5 से 10 वर्ड्स आप डेली के बेस पे डिस्कस करोगे। इसकी कोई क्लास नहीं होगी, बात समझ में आ रही है? इसमें आप सबको 5 पेपर्स भेज जाएंगे, सॉल्व 5 पेपर होते हैं, उसको बता दिया जाएगा कि जी कौन से ईयर से शुरू करना है, आया के 2023 से शुरू करना है या फिर 1970 से या 2000 से शुरू करना है। जिन चीजों की क्लास नहीं होती वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। वोकैबलरी भाई, ये आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे याद करते हो। सही है, क्योंकि देखिए कुछ एस्पिरेंट डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं जो कि एक नहीं 4 लोगों से मशवरा लेते हैं। अब दो कुछ और कहते हैं, तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है, तो वो एंड तक मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमें वोकैबुलरी में डर लग रहा है। हालांकि मेरी ट्रेनिंग क्या है कि इस पार्ट को तो आप भूल ही जाओ ना बिल्कुल, आप इसकी टेंशन ही नहीं लो। कोई अगर कह रहा है कि जी मैं नाश्ता करते हुए 4000 वर्ड या 5000 वर्ड रिवाइज करता हूँ, या डेली के मैं 4 वर्ड याद करता हूँ, तुम नहीं करोगे, तुम अलग हो उससे। बात समझ में आ रही है? योर डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये दूसरे को देख के, दूसरों के इंटरव्यू सुन के आप अपनी चीजों को खुदारा मत चेंज किया करें। अभी आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जी वो 5 पेपर की प्रेसिस खत्म हो गई, तो
तो मैंने ब्रेटन रसल की किताबें निकाली, उसमें से किया। ओ भाई इतना टाइम नहीं है प्रेसी करने के लिए हमारे पास, हम पास पेपर पे स्टिक रहेंगे, हम इतना ही सॉल्व करेंगे जितना हमारी नीड होगी। डॉन के आर्टिकल पढ़ें, उर्दू में ट्रांसलेट करें, ये सब जो है ना, जहां तक मुझे लगता है, सॉरी टू से दिस, बट अपने आप को ना थोड़ा सा एक ऊपर दिखाने की कोशिश की जाती है। यू माइट डिसएग्री, आप डिसएग्री कर सकते हैं जी। 3 मंथ्स में किया मैंने, मैंने जी 18 18 घंटे जी ये पढ़ाई की है इसके अंदर, मैंने कोई एकेडमी नहीं ली, मेरा कोई टीचर नहीं था। इफ आपके पास टीचर नहीं था तो आपको बताया किसने, राइट? आप जो डिमोटिवेटेड हुए उस टाइम पे, तो आपको मोटिवेट किसने किया? आपके पास डायरेक्शन ही नहीं थी। चलो आप लोग भी क्लास अभी फर्स्ट टाइम ले रहे हो, तो आप लोग जो है वो प्रेसी से शुरू कर लें, आप करें प्रेसी से शुरू, मैं तो मना नहीं करूंगा आपको। हाँ लेकिन ये कि प्रेसी सीखोगे, प्रेसी पे वर्क करोगे, तुमने यहाँ पे कम से कम 2 मंथ्स लगा देना। और अगर ऐसी प्रेसी आती जैसी 2021 में आई थी, तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर प्रेसी प्रैक्टिस? वोकैबुलरी तुम नाश्ते के साथ रिवाइज कर लो, मैं मना नहीं करूंगा। आपकी अप्रोच अच्छी बात है, मैं तो दुआ करता हूँ आपको याद हो जाए। 5,000 वर्ड्स आपने याद किए, एग्जाम में बैठे एक भी उसमें से नहीं आया, या चलो एक क्या पांच आ गए उसमें से, फिर मैंने तुक्के लगाए, मेरे भी 5 हो गए, आपके भी हो गए, तो क्या फायदा हुआ हम दोनों में? कोई फर्क है हमें? नहीं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन करते ही नहीं है प्रैक्टिस। कॉम्प्रिहेंशन तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो बेटा ये सारी जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातों तक हैं। कल को मेरा किसी और का हो जाएगा तो वो क्या बोलेगा? जी सुबह सुबह बैठ के डॉन पढ़िएगा आप, और ये वोकैबुलरी याद कीजिएगा, रजिस्टर बनाए, मोटिवेट रखें अपने आप को, 18 घंटे पढ़ें। भाई ये सब तो हमने नहीं किया। वो तो जब कोई इंटरव्यू लेने आएगा, तो जाहिर है मैं तो अपनी जो है इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो तो मैं छुपाऊंगा ना। पॉइंट क्लियर होता है? हम पढ़ेंगे सारी चीजें, लेकिन एक तरीके से। रिसोर्सेस सारी प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। सो द बेस्ट थिंग इज कि हम इसको स्टार्ट जो करने लगे, वो हम इसको स्टार्ट करेंगे सेंटेंस करेक्शन से। आपकी आने वाली 1 से 2 या 2 से 3 क्लासेस जो हैं, वो सेंटेंस करेक्शन के ऊपर होंगी, राइट? सेंटेंस करेक्शन क्यों करवा रहा हूं मैं बेटा? जब ये तुम सीख जाओगे ना, इसका बेनिफिट क्या होगा? नंबर 1, एक्सप्रेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। नंबर 2, सॉलिड मार्क्स। मतलब मैं जब भी पेपर देता हूँ प्रेसी का, तो मैं वो सब छोड़ देता हूँ, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन उसको मैं एंड में देखता हूँ। सबसे पहले मैं सेंटेंस करेक्शन की तरफ जाता हूँ कि यार ये निपटा लो। अब ना एक जहन होता है बच्चे का कि यार 40 बनाने, मुझे 10 किए, 5 किए, 10 आ गए, मैंने कहा चलो वेल एंड गुड, सिक्योर हो गया आप। अब सेंटेंस करेक्शन के लिए कुछ बातें नोट कर लें। सेंटेंस करेक्शन के लिए सबसे पहली बात है कि आपके पास मोर देन वन एरर हो सकते हैं, राइट? एक से ज्यादा एरर एक जुमले के अंदर पॉसिबल है। नंबर 2, स्पेलिंग्स के कोई एरर नहीं होते कि भाई आप किसी चीज की क्या होगा, नहीं, स्पेलिंग, नो स्पेलिंग एरर नहीं है उसके अंदर, वर्ड के एरर होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे ही इज लेइंग, अब ये जुमला मैंने लिखा है, हालांकि जुमला होगा ही इज लाइंग। सो आप देखें कि किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। पहले आपको ये बात पता हो कि मैं जो चीज ढूंढने जा रहा हूं इसमें वो है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, अच्छा ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये लेइंग मुझे समझ नहीं आ रहा, लेइंग तो नहीं होगा, वो झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग होना चाहिए। तो मैंने पहले यहां से इसको देखा, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सर्टेन रूल्स हैं कि नीदर और नॉर अगर आएंगे साथ में तो क्या मामला होगा, ईदर और आएंगे तो क्या सिलसिला होगा, राइट?
अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, स्पेशल के अंदर ना एक जुमला आया और मैं आपसे लोगों से पूछ रहा हूँ कि उसको कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है? जुमला है आपके पास, आई कॉन्टेक्टेड माई फाइव कोलीग्स बट ऑल ऑफ देम डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब ये जुमला है, अब वो एग्जामिनर कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत है, सही करके लिख दो। व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या गलत है? यस, नन ऑफ देम आएगा। ऑल ऑफ देम में से सिर्फ ये हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नन ऑफ देम। चाहे तो आप इसको रिस्पॉन्डेड भी कर सकते हैं पूरे को हटा के, बट नन ऑफ देम रिस्पॉन्डेड। तो मैंने आपको बताया ना, एक से ज्यादा एरर हो सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से जुमला था, अवर इकोनॉमिकल सिचुएशन इज वर्सनिंग डे बाय डे, ये जुमला आया था, इसको मैंने करेक्ट किया था। अब मुझे बताएं इसमें क्या गलत है? सही है, इकोनॉमिक आएगा, गुड। इकोनॉमिकल सस्ता होता है, याद रखना बेटा, ये ऐसे में भी आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, इकोनॉमिक का मतलब होता है मईशत। तो अवर इकोनॉमिकल सिचुएशन, तो इकोनॉमिकल नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा इकोनॉमिक आएगा, बाकी सब सही है, राइट? सो इसके ऊपर हम दो क्लासेस रखेंगे। अब दो क्लासेस के अंदर मैं आपको सर्टेन एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, रूल्स बताऊंगा, और उसके बाद आपको रोजाना की बेसिस पे होमवर्क मिला करेगा कि जी लेट सपोज के 2000 के जो सारे सेंटेंस करेक्शन करें, 2001 के करें। मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसको आपने कैसे बुक बनानी है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसी का तो एक सिंपल आपका रजिस्टर होना चाहिए, एक सेपरेट सेंटेंस करेक्शन जो है 50 पेजेस अगर आप इसके लिए छोड़ दें तो इनफ होगा। आपने पहला जुमला लिखा जैसे वो वाला था, ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रेक्टेड वाला, ठीक है? ऑल ऑफ देम डिड नॉट रिस्पॉन्ड। इसके नीचे ना दो लाइनें छोड़ दें, ठीक है? ये एक जनरल वे है इसको करने का। आपने दो लाइनें छोड़ी और फिर आपने दूसरा जुमला। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? करेक्ट लिखोगे, राइट? जो भी आपने करेक्ट किया, उसके बाद में अपनी लर्निंग लिखोगे यहाँ पे। नाउ व्हाट इज योर लर्निंग? कि यार चलो मैंने करेक्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे समझ में क्या आता है कि दो नेगेटिव कभी नहीं होंगे साथ में, तो ये डबल नेगेटिव बेटा नहीं होना चाहिए। नो 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 अगर आ रहा होगा तो वो आप नहीं इस्तेमाल करोगे, सही? इसी तरीके से आपको समझ में आया कि जी ऑल ऑफ देम का मतलब कुछ और होता है, नन ऑफ देम कुछ और होता है। तो यहाँ जो ना वो लर्निंग में लिखोगे विच विल इम्प्रूव योर लर्निंग कैपेसिटी स्किल्स, और आपको आगे आने वाले सवालों के लिए ना बड़ा फायदा होगा इस चीज से। ये बहुत आसान होता है कि हमने सॉल्व से देखा, जुमला देखा, हाँ ठीक है मुझे आ गया। नो, आपने लिखना है कि मुझे क्या समझ में आया यहाँ पे। करेक्ट तो है ही आपके पास। इसी तरीके से अगर आप 1970s से उठाएं और 2023 तक के अगर आप कर लें, तो बेटा मेरा नहीं ख्याल कि ये 10 नंबर आपको ना मिले। बहुत इजीली आपको ये मार्क्स फैच कर लोगे आप यहाँ से। लेकिन थिंग वही है, थिंग इज कि आपने प्लान पे स्टिक रहना है। बात समझ में आती है? जो प्लान आपको दिया जा रहा है आप उस पे बिल्कुल आप स्टिक रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी और से पढ़ रहे होते हैं, सजेशन किसी और की चल रही होती हैं, किसी वर्ल्ड टाइम वाले को देखा तो चलो जी वो कर लो, वो बुक ले लो। ये सब क्या है? डिस्ट्रक्शन है। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन स्टॉर्म। मुझे बच्चे चेक करवाते हैं, इवेल्युएशन करवाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज जो गलत होती है वो ये है कि सर, मैंने कहा ये कहाँ सीखी आपने? सर वो ना मैंने एक डॉन में ना एक आर्टिकल आया था,
वो मैंने ना सर डॉन से आर्टिकल पढ़ा है और उसकी ना ये मैंने प्रेसी बनाई है यार। अब तुम्हारे लिए पहले मैं उस डॉन का आर्टिकल पढ़ूं, सही है? मैं खुद पहले समझूं, प्रेसी बनाऊं, फिर मैं उसको चेक करूं। व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस? आप सिंपली एक पास पेपर की प्रेसी उठाएं, उसको सॉल्व करें। तो ये जो बेटा चीजें हैं उसको मत करना। मुझसे पढ़ रहे हो, मैं जो कह रहा हूं उसको लेकर चलो। कोई और मुझसे बेहतर गाइड कर रहा है तो आप दोनों में मवाजना कर लें कि मुझे समझ में क्या चीज आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ बैठे बैठे फातिमा बतूल को भी आप फॉलो करें, सर वकार को भी फॉलो करें, मुझे भी फॉलो करें, वर्ल्ड टाइम्स की भी वीडियोस देख रहे हैं आप चार किताबें मजीद परचेज कर लें। ऐसे करोगे हमेशा जीरो पे खड़े रहोगे। पॉइंट क्लियर होता है? ओके सो मैं ग्रुप के अंदर आपको भेजता हूँ सारा मटेरियल, अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? याद रखना मैंने कल की क्लास में भी एक बात बताई थी रात वाले स्टूडेंट्स को कि देयर इज अ स्टेयर, ठीक है? स्टेयर है, इसके स्टेप्स होते हैं। अभी जब आप फर्स्ट स्टेप पे हो तो होल्ड ऑन, पहला स्टेप मुकम्मल करोगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे। दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। ये दीवारों पे ऐड लिखा हुआ होता है ना, 90 डेज में इंग्लिश बोलना सीखें या 1 मंथ, कंफर्म इंग्लिश आ जाएगी आपको। ना 90 दिन में आएगी, ना 1 महीने में आएगी। सवाल है डॉक्टर तलहा रफी कंपोजिशन पेपर में 72, यस, और एसे के अंदर उनके 40। यार एसे में जिसके 40 आ जाते हैं ना वही 100 के बराबर हैं। मेरे भी एसे में 40 हैं, मेरे कोई 80 90 नंबर नहीं है ऐसे में, ऐसे में 40 ही दे रहे हो। उनका एक क्राइटेरिया है, सेट क्राइटेरिया उनका। किसी के जब 42 आते हैं तो वो पता नहीं क्यों आते हैं, किसी के 44 आते हैं तो वो भी नहीं पता। एक थी उनके 80 नंबर आए थे, लिटरली हम में से किसी को नहीं पता कि 80 वाले के 80 क्यों है, 40 वाले के 40 क्यों है। बट वॉट वी नो इज के सर्टेन कंपोजिशन थी जो हमने पेपर में अच्छी की और हम पास हो गए, चाहिए। और जहां तक बात रही कंपोजिशन पेपर की, उसमें लोगों के 72 क्या 81 और 90 भी आए हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बेटा जो मैंने आपको ये चीजें बताई क्विकली, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको मार्क्स बताए थे, यहाँ देखें। अब आपने ट्रांसलेशन पूरी सही कर ली, इडियम सही कर लिए, पंक्चुएशन आती, प्रेपोजिशन आती, सेंटेंस करेक्शन आती है, वोकेबलरी भी आपकी 10 सही हो गई, तो ऑलमोस्ट 65 to 70 नंबर तो आपके यही बन जाते हैं, राइट? सो प्रेसी के पेपर का एसे के पेपर से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आप स्कोर करते हो, एसे के अंदर स्कोरिंग के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। एक पैराग्राफ लिखना, उसको प्रूफ करना आर्ग्यूमेंट में, 40 नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है जनाब? होप सो समझ में आई होंगी चीजें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह मटेरियल आपको आज